हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द चैनल कोर्स ऑफ फोर्स और मैं हूं ऋषभ। तो अब जैसा कि जानते हैं कि इंडिया का एग्जाम 6 सितंबर को 99% प्रोबेबिलिटी है कि होकर रहेगा। तो एग्जाम हो रहा है, सबसे बड़ी बात आप लोग के लिए यही है कि एग्जाम कम से कम हो भी रहा है। आप अपने आप को कंपेयर करो SSC बैंक वाले और बहुत सारे एग्जाम से, वो लोग तो तरस रहे हैं कि पिछला कम से कम 2 साल से एग्जाम हो जाए, उनका एग्जाम नहीं हो रहा है, कम से कम आपका एग्जाम तो हो रहा है। और देखो, डिफेंस फोर्सेज ज्यादा दिन तक रुक नहीं सकती क्योंकि उनके अकेडमिक खाली होते चले जा रहे हैं, क्योंकि पासिंग आउट पेट रुक नहीं रहा है, तो कम से कम बैच तो वहां पे कम से कम बनने चाहिए, इसलिए एग्जाम होंगे ही होंगे। तो आज हमारा वो टॉपिक यही है कि बचे हुए कुछ समय में हम कम से कम किस तरह से पढ़ाई करें। खासकर मैं मैथ्स की आज बात करूंगा, उसके बाद मैं GAT के लिए वीडियो लाऊंगा। तो हम किस तरह से मैथ्स से पढ़ाई करें कि कम से कम जो सबसे कमजोर बच्चे, जो अभी लग रहा है कि हम 20-25 क्वेश्चन पर ही रह पाएंगे, मैं आज की इस वीडियो से आपको 40 के ऊपर जरूर भेज दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कम से कम 4-5 दोस्तों का शेयर करो, क्योंकि यार व्यूज नहीं आ रहे, आप सपोर्ट नहीं कर पाए हो। तो हम इसीलिए ना वीडियो की फ्रीक्वेंसी जो हमारी है काफी कम इस चैनल पे, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करना है कि कम से कम आप थोड़े सपोर्ट करो, कम से कम लास्ट टाइम सपोर्ट करो आप लोग, ताकि हम भी ज्यादा से ज्यादा मास्टर वीडियोज, मैं सोचा था कि कम से कम मास्टर वीडियोज आप लेके लाया जाए, कम से एक एक घंटे की वीडियोज हर एक टॉपिक पे हो, तो आप अच्छा से अच्छा कम से कम नहीं कुछ तो कम से कम 20-25 नंबर आप एक्स्ट्रा गेन कर सकते हो, 20-25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। शेयर कहाँ करो, व्हाट्सएप पे कर दो, फेसबुक से कर दो। तो देखो टॉपिक पे हम लौटते हैं सीधे, मैथ्स में अब जहां तक बात है, अब देखो मैथ्स में जहां तक बात है तो कितने 120 क्वेश्चन है आप सब जानते हो। अब 120 क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना 120 की बात किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि आप अगर टारगेट कर रहे हो कि 40-45 क्वेश्चन का टारगेट कर रहा, मैं बोलता हूँ 45 भी करके चलो तो कम से कम कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन 45 नंबर लाना भी उतना आसान उनके लिए नहीं हुआ जो उतना अच्छे से अभी नहीं पढ़े हो, या जो बच्चे का अपना एक अच्छा स्किल होगा वो भी अब अंत समय में सोच रहे हैं कि 45-50 चलाता तो अच्छा रहता। तो मैं आपसे ही बोलूंगा कि देखो मैं भी कुछ कुछ चैप्टर से यहाँ लिखूंगा, अब आपको उसी चैप्टर से वर्क करना है, और खासकर उनके लिए जिनको लग रहा है कि हम 30-35 या 25-30 के बीच में रह पा रहे हैं। और यही बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, सिर्फ चैप्टर्स को ही मत पढ़ो, मैं टॉपिक्स को ही बताऊंगा। तो देखो मैं इजी चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं, आप अपने आप को नोट करते चलना, और हो सकता है कि आपके लिए जितने टॉपिक्स हैं वो 100% एक्यूरेट ना हो पाए, लेकिन किसी बच्चे के लिए हो सकता है। तो हर चैप्टर में हर टॉपिक से अपने आप को कोरिलेट मत करना कि नहीं मेरा चैप्टर सही है पर मैं क्यों बता रहा हूं कि इसे नहीं पढ़ने के लिए। तो देखो आपके केस में कुछ अलग सोच होता है, आपके केस में कुछ अलग हो सकता है, किसी और के केस में कुछ अलग हो सकता है। तो मैं मानता हूं कि 45 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर वन क्या है कि मैं हर दिन बोलता हूं ट्रिक से, आप ना चाहते हुए भी 30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो पहला स्टेप क्या करो कि अगर आप मैथ्स, अगर मैं पहले ही बोलता हूं मैथ्स कम से कम आपको 2.5 घंटा रोज पढ़ना ही होगा, अभी से 2.5 घंटा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप 5 घंटे मैथ्स पढ़, 2.5 घंटे पढ़ते हो तो कम से कम ट्रिक वाले वीडियो के लिए आप 30 मिनट रोज निकाल के रखो। 30 मिनट रोज निकाल के रखे हो तो कम से कम 15-20 वीडियो आप कम से कम अगस्त में कंप्लीट कर सकते हो। और ट्रिक वाले मेरे सारे वीडियोस आप देखो, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, और आप सर्च कर करके भी, आप वीडियोस के सर्च कर करके भी देख सकते हो ट्रिक वाले सारे वीडियोस, क्योंकि उसके ऊपर ही आपको मालूम चल जाएगा कि ट्रिक वाले वीडियोस हैं। थ्योरी वाले वीडियोस को मैंने थ्योरी वाले वीडियो से कैटेगरी में रखा है। तो 30 मिनट वाले जब आप निकाल के रखोगे और हर वीडियो को देखोगे, छोटे छोटे वीडियोस भी हैं और मैं और वीडियो बनाऊंगा ट्रिक के ऊपर, तो आप यहां से न चाहते हुए भी मैं मानता हूं कि 15-18 क्वेश्चन आप कर लोगे। मैं नहीं कहता हूं कि 30 क्वेश्चन आप कर लोगे पहली बार देख के, 15-18 क्वेश्चन कर लोगे। अब देखो 15-18 क्वेश्चन किस चैप्टर से आपसे होंगे मैं बताता हूं। आप ट्रिगो से सारे क्वेश्चन कर लोगे, मैं मानता हूं ट्रिगो से आप 6-7 क्वेश्चन कर लोगे, तो मैं मानता हूं 5-7 आपका रेंज होगा। ट्रिगो में ट्रिक लगता है डिटर्मिनांट में ट्रिक लगता है, यहां से आप 2 क्वेश्चन इजिली कर लोगे। सीक्वेंस एंड सीरीज AP, GP और HP, इससे आप 3 क्वेश्चन ट्रिक के हेल्प पे कर लोगे। मैंने सारे का ट्रिक वाले वीडियोस बना रखे हैं, मैं फिर से बनाऊंगा आप कहोगे तो। हर चैप्टर में ट्रिक नहीं लगेगा, मैं बताऊंगा जहां पर ट्रिक नहीं लगेगा वहां भी बताऊंगा क्या करना है। इसके अलावा आप लिमिट वाले चैप्टर में LH रूल वाला, और मैंने एक और वीडियो बनाया था कि किस तरह से जहां पे 1 पावर इन्फिनिटी आए वहां ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, यहां से आप 2 क्वेश्चन लिमिट से भी आप निकाल सकते हो। लिमिट के अलावा मैं समझता हूँ क्वालिटी की क्वेश्चन सबसे इजी चैप्टर है पूरे 11th और 12th का, यहां से आप 3 क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन आप कर लोगे। और
मैट्रिक्स ही आसान चैप्टर माना जाता है, तो मैट्रिक्स से आप दो क्वेश्चन कर लोगे, ज्यादा नहीं तीन आते हैं, दो ही मैं बता रहा हूँ करने को। कितने हुए, एक दो तीन चार पांच छह चैप्टर अभी तक हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस होते हैं और आते ही अब ट्वेल्थ वाले सारे चैप्टर्स में, ट्वेल्थ मतलब कि कैलकुलस में आने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो इंट्रीगेशन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स समझते हैं सभी लोग इंट्रीगेशन। आप अब डेफिनेट ही पढ़ो, इनडेफिनिट नहीं पढ़ना है, डेफिनेट इंट्रीगेशन पढ़ना है। अगर तीन चार क्वेश्चन आते हैं तो आप दो ही करने की कोशिश करो, बहुत कमजोर है आपका इंट्रीगेशन। तो एक क्वेश्चन हर साल आता है, सभी लोग एक फ्री का मार्क्स होता है सभी के लिए, ढाई नंबर सबके लिए फ्री होगा कि ऑर्डर एंड डिग्री निकालना, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री ये किसमें हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप सभी क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो कम से कम ऑर्डर डिग्री वाले करके एक क्वेश्चन कर सकते हो, एक लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में भी कुछ मैंने ट्रिक वाले वीडियो बना रखे हैं, प्रोबेबिलिटी में आप एक क्वेश्चन निकाल सकते हो। इसे आठ नौ क्वेश्चन आते हैं, मैं एक ही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ट्रिक से आप आठ क्वेश्चन पूछेंगे चार कर लोगे, नहीं ऐसा नहीं है, आप एक क्वेश्चन कर सकते हो। स्टैटिक्स से आप ट्रिक के दम पे एक क्वेश्चन कर सकते हो, तीन चार क्वेश्चन आएंगे एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो इतना चैप्टर हो गए। इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स मैंने अभी नहीं लिखा है यहाँ पे, जैसे स्ट्रेट लाइन हुआ, सर्किल हुआ, तो वो वहां पे डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन वहां पे आप कम से कम स्मार्ट कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हो। इधर नोट क्या है, काउंट कर लो, मैं यहां से सिक्स मान लो, सिक्स टू एट टू टेन ट्वेल्व फिफ्टीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, ट्वेंटी कर सकते हो, मैंने क्या बोला था पंद्रह से अठारह कर सकते हो, तो आप बीस क्वेश्चन तो ट्रिक की हेल्प से कर सकते हो, मैं इतना बोलता हूँ। अगर इससे पहले क्या खुद से आप दस पंद्रह ही क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे क्या, डेफिनेटली आप 15-20 क्वेश्चन पहले से कर पा रहे थे, तो 15-20 क्वेश्चन इसमें ऐड होगा तो 40 नंबर पे तो आप पहुंच गए हो, 40 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो। तो मैं यहां से आज कोशिश अब करूंगा कि 40 क्वेश्चन से आप आगे कैसे पहुंचो। अब देखो मैंने इतने चैप्टर बताया कि बहुत आपका मैथमेटिक्स कमजोर है, तो इसी पे वर्क करो, इससे ज्यादा आप बढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं करना है। इंटीग्रेशन से आपको दो ही क्वेश्चन सही करने हैं, पूरा नहीं सही करना है, इसलिए इंटीग्रेशन पे दो तीन दिन ज्यादा समय मत दो। उसी तरह से मैट्रिक्स पे जितना देखो, ट्रिगोमेट्री पांच सात नंबर का है तो तीन दिन समय दो, हर चैप्टर पे जैसे एपीजीपी पे दो दिन समय दो, लिमिट पर एक दिन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक दिन, और ऐसे करते करते 15 से 18 जो क्वेश्चन नंबर है ये मेरे वीडियो से आप रिविजन कर सकते हो। और अब आगे आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वीडियो का है, 50 नंबर या उससे ऊपर हम कैसे जाए। अब जिनको लग रहा है कि हम 40 पर आ चुके हैं आसानी से, तो मैं मेरा टारगेट है कम से कम 50 ऊपर कर लो और सेफ साइड में रहो। तो उसका करने के लिए उपाय ये है, अब देखो मैंने एक इम्पोर्टेंट सेक्शन छोड़ रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 10-12 क्वेश्चन आते हैं, तो वहां से देखो उससे ट्रिक अप्लाई ज्यादा नहीं होता है पर बहुत ही आसान चैप्टर है। देखो अब जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला आता है स्ट्रेट लाइन, खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, स्लोप है, फलना ठिकाना, बहुत कुछ है इसे पढ़ने के लिए, तो इसमें ज्यादा नहीं है पढ़ना, मैं बताता हूँ टॉपिक पढ़ो। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक टॉपिक पढ़ लेना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, यहाँ पे दो लाइन कट करते हैं उस पॉइंट को निकाला, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना आना चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना आना चाहिए। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना तो आपने सीख रखे है ना अपने स्ट्रेट लाइन में, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, एक स्लोप चाहिए, या दो पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि एक लाइन का इक्वेशन आपको लिखना है जो पॉइंट 2.2 से पास कर रहा है, मैं क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करो। एक लाइन का इक्वेशन लिखना है जो 2.2.2 से पास कर रहा है और वही लाइन किसी L1 और L2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है। L1 का इक्वेशन दिया गया रहेगा x प्लस वाई इक्वल टू फाइव, एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री। तो देखो 2.2 एक पॉइंट पता है, P1 पॉइंट पता है, लेकिन P2 कहां से निकलेगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो पॉइंट P2 निकलेगा। P1 P2 दो पॉइंट पता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि दो पॉइंट पता होगा, जो हमारे बेसिक वीडियो देखा होगा स्ट्रेट लाइन का वो आसानी से देख सकता है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन में मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि 6 से 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। इसके बाद आप फोकस करना इमेज पे, इमेज पढ़ लिया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दोनों आसान चैप्टर हैं। इसके बाद आप लोग इक्वेशन ऑफ लाइन
इक्वेशन ऑफ लाइन पे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में, जैसा कि मैं इसका टाइप बताता हूं कि आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है जो कि 2,1 से पास कर रहा है और वह x प्लस वाई माइनस सिक्स के इक्वल टू जीरो के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो यहां से पॉइंट मिल गया लेकिन स्लोप यहां से नहीं मिला, क्योंकि टू लाइन पैरेलल तो स्लोप इक्वल होते हैं। तो देखो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू माइनस वन, तो इसके परपेंडिकुलर तो इसका स्लोप मैं मान लेता हूं, या लाइन का इसका स्लोप मैं मान लेता हूं, इसका स्लोप अगर m1 है तो इसका स्लोप m2 है, तो परपेंडिकुलर केस में क्या होता है m1 m2 इक्वल टू माइनस वन। तो यहां से m1 की जगह पे आप क्या डाल दोगे, माइनस वन इंटू m2 इक्वल टू माइनस वन, तो m2 इक्वल टू किया गया वन। तो इसका एक स्लोप किया आ गया, मतलब कि स्लोप आ गया वन, और पॉइंट दिया है हमारे पास 2,1, तो आप इजीली इक्वेशन लिख सकते हो। ये दूसरा फॉर्म हुआ। अगला चैप्टर है इसमें सर्किल का देख लेना, सर्किल से भी एक से दो क्वेश्चन आएंगे आपको देखने को। तो सर्किल बहुत आसान चैप्टर है, इसमें आप एक चीज कर लेना कि इसमें आपको सेंटर दिया गया रहेगा, सेंटर दिया गया रहेगा और रेडियस भी दिया गया रहेगा, बहुत आसान है, बेसिक में बता रहा हूं। तो सर्किल का इक्वेशन लिखना आप बता लेना, और एक केस क्या हो सकता है कि किसी भी एक केस हो सकता है कि एक सर्कल है, इसका आपको बताना है टेंजेंट, इसका बताना है टेंजेंट, सर्किल का क्या होता है टेंजेंट। तो टेंजेंट इस तरह से होगा, टेंजेंट का इक्वेशन बताना है आप लोगों को, और इसका नॉर्मल का इक्वेशन दिया गया रहेगा। नॉर्मल का इक्वेशन क्या रहेगा, एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, और इस सर्किल का पॉइंट यहां का दिया गया रहेगा 2,2, मतलब सर्कम सेंटर का, मतलब कि सर्कमफ्रेंस का। तो क्या आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो टेंजेंट का, किस तरह से लिख सकते हो, नॉर्मल का इक्वेशन क्या है, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ सर्किल से पास करता है, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ सर्किल से पास करता है। तो यहां देखो क्या हो गया, इसका स्लोप अगर m1 है तो इसका स्लोप अगर m2 हो जाएगा, पॉइंट पता इक्वेशन लिख सकते हो, सर्किल काफी आसान है। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूं इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन को कैसे पढ़े। देखो टाइम काफी कम है इंटीग्रेशन पढ़ने में, ढाई महीना से कम नहीं लगता है किसी को भी अच्छे से इंटीग्रेशन अगर पढ़ना है तो, लेकिन हमें तो अब ढाई तीन दिन में ही कंप्लीट करना है। तो मैं बताता हूं इंटीग्रेशन में पढ़ो पहला टॉपिक आप सिर्फ और सिर्फ डेफिनिट, डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करो, दूसरा पॉइंट, जितने ही फॉर्मूलेज होते हैं, जितने ही फॉर्मूलेज हैं आप उसे याद करने की कोशिश करो। तीसरा, आप लोग इसमें एक काम कर सकते हो, इंटीग्रेशन में जो वालिस थ्योरम है, वालिस थ्योरम और एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में जो आईलेट के जितने ही क्वेश्चन दिए गए हैं, आईलेट वाले और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट पे एक वीडियो बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डीएक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डीएक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में आते हैं। और एक और क्या हो सकता है, डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, तो कितने हो गए 8, 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। एक क्या हो जाएगा डीएक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इन जितने होते हैं इस पे क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आने फिक्स हैं। मैंने क्या बताया शुरू में कि इंटीग्रेशन में दो क्वेश्चन का है, लेकिन दो क्वेश्चन ही से निकलेंगे, इतना मैं आपको बता सकता हूं। तो इस पे मैं याद रखना कि मैं इससे, आप अगर सपोर्ट दिखाते हो, 100 कम से कम लाइक दिलवाते हो, तो मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, 2 नंबर यहां से निकाल सकते हो। ऐसे ही आपको देखना है कि आपका कौन सा चैप्टर आसान है, कौन से आपके लिए मुश्किल है, थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाकर कम टाइम दे देकर आप एक दो नंबर हर चैप्टर से निकालते भी हो, तो ऐसे आप 40 से 50 नंबर के ऊपर चले जाओगे। तो मैंने बताया कि कुछ चैप्टर्स आप किस तरह से वर्क कर सकते हो। तो वीडियो कहीं पे कंप्लीट करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।